एक बंदा जो है शराब लेकर के एक मोटरसाइकिल को आया रात्रि गश्ती में, ये सैयद यादव जी जो है गाड़ी को रोक करके चेक किए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और महेश वितान। शराब पीने वाले और बेचने वाले हो जाए सावधान। ऑपरेशन न्यू ईयर की तैयारी शुरू हो गई और ऐसे में लगातार छापेमारी जारी है। आपको बता दें कि ताज़ा मामला पटना के पिरभौर थाना क्षेत्र का है, जहां चेकिंग के दौरान करीब 3 कार्टून विदेशी शराब के साथ 2 तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि शराब तस्कर जो है झारखंड से शराब लेकर मीठापुर उतरे थे और बाइक से होम डिलीवरी करने गुलबी घाट की ओर जा रहे थे, तभी चेकिंग के दौरान उन्हें करीब 33 बोतल शराब के साथ 2 तस्कर को गिरफ्तार कर लिया गया है। यहीं आपको बता दें कि लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शराब को लेकर काफ़ी तख्त तेवर अपना रहे हैं और साफ तौर पे अपने अधिकारियों को कहा है कि बिहार में शराबबंदी सख्ती से लागू किया जाए और नहीं अगर नहीं करने वाले अधिकारियों को लेकर उसके ऊपर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। झारखंड से एक बंदा जो है शराब लेकर के एक मोटरसाइकिल को हायर कर करके वो लेकर के आ रहा था, बिकना पहाड़ी की तरफ जाना था इसे, और इसी क्रम में रात्रि गश्ती में एएसआई अरुण यादव जी जो है गाड़ी को रोक करके चेक किए, तो बाइक पे जो पीछे बैठा वो बंदा था जो झारखंड का रहने वाला था और इसका नाम है अमन कुमार, जो कि बाइक चला रहा था और पीछे जो बैठा वो बंदा था अजीत कुमार पासवान, जो पलामू झारखंड का रहने वाला था। अजीत कुमार पासवान के पास से 2 बैग में कुल 34 बोतलें शराब 750 ml की रॉयल स्टैग प्रीमियम विस्की बरामद की गई, जिस संबंध में कांड दर्ज करके उन्हें जेल भेज दिया गया है। ये झारखंड से लेके आ रहे थे ये लोग और यहाँ भिकना पहाड़ी की ओर लेकर के जा रहा था। तो आपने सुना, साफ तौर पे कहा है कि शराब पीने वाले हो या बेचने वाले हो या किसी तरह का कोई भी नशा का सेवन करते हैं उसके ऊपर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। सहयोगी हीरा के साथ मैं विक्रांत, न्यूज़ पीआर पटना।